हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस के न्यू रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपके बहुत सारी ये क्वेरीज थी और आपके ये कमेंट्स थे कि ये जो भर्ती है आपकी न्यू भर्ती ये 2020 में आएगी या फिर नहीं आएगी। अब देखो ये आपके मन में ये डाउट क्यों आ रहा है, हम आपको इस वीडियो में ये भी सारी बातें जो है बताएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि और बहुत सारे मतलब ई आर्टिकल के माध्यम से एक और खबर आ रही है कि आपकी जो वैकेंसी है वो तो फिलअप हो चुकी है। मतलब आपकी जो वैकेंसी बोली गई थी वो 1 लाख बोली गई थी और 1 लाख सीटें भर गई। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको यहाँ बता दें, योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बोला था कि आपकी लगभग जो है 1.5 लाख हम वैकेंसी कंप्लीट कराएंगे, है ना फ्रेंड्स। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे हमने तो ई आर्टिकल में पढ़ा कि 1 लाख जो है 37,000। लेकिन फ्रेंड्स देखो ई आर्टिकल के माध्यम से बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन हम जो योगी जी ने बोला था वो आपको बता रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख जो है भर्तियां इस साल कराई जाएंगी। तो उसमें से आपकी 2 भर्तियां जो है अभी भी प्रोसेस चल रहा है, 41,520 प्लस आपका 49,568 और अभी भी आपकी सीटें खाली हैं। अब देखो हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर जो आपकी भर्ती है वो कब तक आएगी। ये तो आप मान के चलो कि आपकी भर्ती आएगी, हाँ हो सकता है कि कुछ सीटें कम हो, 52,000 ना आए, लेकिन फ्रेंड्स आपकी भर्ती आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और आपको जो आप तैयारी, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये वैकेंसी जो है अब नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि आपकी वैकेंसी तो 100% आएगी, आप ये मान के चलो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स तैयारी करे रहेंगे उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है तैयारी करने का। तो आप अच्छे से तैयारी करो। और देखो अगर हम भर्ती के बारे में बात करें, क्योंकि देखो मैंने खुद आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपकी जो भर्ती है वो अप्रैल प्लस मई तक आ जाएगी, लेकिन 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 अभी आप देख रहे हो जो 49,568 की भर्ती है उसका अभी मेडिकल का एडमिट कार्ड ना ही आया है और ना ही आपका जो है मेडिकल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि एक महामारी आया है COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी मतलब है इस पर ठप है और लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है पूरे राज्य मतलब पूरे देश में स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स इस वजह से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और 144 धारा लागू है जिसकी वजह से जो यूपी पुलिस 49,568 का मेडिकल है वो भी नहीं हो पा रहा है, प्लस आपकी जो UPSI का बोला गया था कि अप्रैल में लास्ट तक आ जाएगा, तो फ्रेंड्स उसमें भी आपकी देरी हो सकती है क्योंकि इसकी वजह से। और रही आपकी वैकेंसी के बारे में, तो फ्रेंड्स ये जो भी मैटर है ये आशा जताई जा रही है कि मई, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें मैक्सिमम, तो आपकी जून जुलाई तक, अब मान के चलो जून तक ये जो भी कोरोना वायरस का जो भी मामला है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स आपकी जो न्यू वैकेंसी है 2020 के लास्ट मंथ तक आ जाएगा, क्योंकि देरी तो होगी ही, जब इन भर्तियों में देरी हो रही है तो आपकी भी जो भर्ती आने वाली है उसमें भी 100% देरी होगी। और मैंने आपको ई आर्टिकल के पेपर के माध्यम से आपको बताया भी था कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो टली और जो आपकी नई भर्तियां आने वाली थी उस पर भी काम रोका गया है। तो फ्रेंड्स बस मुझे आपसे भी कोई यही इन्फॉर्मेशन देना था। और आप ये जो मतलब बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये भर्ती नहीं आएगी, तो फ्रेंड्स ये आप गलत सोच रहे हो, आपकी भर्ती आएगी, बस आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, UPSI प्लस UP कॉन्स्टेबल की। तो बस मुझे आपसे भी कोई यही इन्फॉर्मेशन देना था। और देखो यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, छोटी हो या फिर बड़ी, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेंड्स हमने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर अभी देख सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल से आपके जो भी स्टडी मटेरियल है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी के थ्रू हम आपको जो भी स्टडी मटेरियल है प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे 1 लाइक की उम्मीद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।